एवरीवन, देखिए अभी जो आपके स्क्रीन पर जो दिखाई पड़ रहा है ना, वो देखने को आपको मिल रहा होगा। पता है क्या, देख लो जरा, यहाँ पे आपको दिखने को मिल रहा है प्रेसिस। वही प्रेसिस जो आप नोट कर लीजिएगा, 4 अंक कन्फर्म पूछे जाते हैं। देख लो, एक प्रेसिस होता है, एक पैसेज होता है। प्रेसिस होता क्या है, इसके बारे में आप क्या जानते हो, थोड़ा सा जान लेना। मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ट्रिक दूंगा कि इसके बाद आप भूल जाओगे कि कोई दूसरा ट्रिक अपना हो। सोच लेना, ये बहुत ही शानदार जानदार ट्रिक एकदम आपके लिए लेकर के आया हूँ, और क्लास 12th के बच्चों के लिए, साइंस आर्ट्स कॉमर्स के बच्चों के लिए एकदम शानदार ट्रिक्स। देखो, एकदम आपके स्क्रीन पर दिखाई जो पड़ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, प्रेसिस। वो प्रेसिस जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, देखना जरा मैं आपको कैसे बता रहा हूँ, ठीक है, किस प्रकार एकदम आज जो देखोगे तो लगेगा कि हाँ मेरा 4 अंक आ गया, 4 अंक एकदम कन्फर्म। एक एक अंक आपको वैल्यू है, एक एक अंक। अभी 4 अंक मैं इस छोटी सी वीडियो में दे करके ही जाऊँगा कैसे बनाओगे। तो प्रेसिस का मतलब क्या होता है बाबू, प्रेसिस को हम हिंदी में संक्षेपण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेसिस जो आपको दिखाई पड़ रहा है ना, ये प्रेसिस जो दिखाई पड़ रही है, इसको हम क्या कहेंगे, संक्षेपण कहेंगे। तो अब देर ना करते हुए हम आपको बता देते हैं ट्रिक क्या अपनाओगे। से पहले समझ लेना ट्रिक कैसा अपनाओगे। तो देख लो ट्रिक अपनाना कैसे बाबू लोग, सबसे पहली बात इसे हम क्या करते हैं, इसमें साफ लिखा हुआ रहता है रीड द केयरफुली, ठीक ना। अब यहाँ पे ध्यानपूर्वक से पढ़ने के लिए बोलता है, उसके बाद में इसको बोलेगा कि कुछ आगे एक्सप्लेन करो। प्रेसिस जैसे ही वर्ड आएगा तो आप तेरे ध्यान से देखते चलो, प्रेसिस जैसे ही वर्ड आता है तो प्रेसिस समझ जाना आप लोग, ये चीज प्रेसिस एकदम बहुत अच्छे ढंग से समझ जाना। पता है क्या प्रेसिस में क्या समझना, कि इसको हम सारे शब्दों को देख लो जरा, सारे शब्दों की जितना शब्द है सारे शब्दों को गिन करके, जितने शब्द हैं सारे शब्दों को गिन करके हम क्या करते हैं ना, कि इसे भाग देते हैं। क्या करते हैं, भाग देते हैं। थोड़ा सा ध्यान रखना मैं बता रहा हूँ। सारे शब्दों को गिन करके भाग देते हैं, भाग कितना से देते हैं, तो भाग क्या देना है उसे, ऐसा नहीं कि मैथ में पहुंच जाओ, इंग्लिश में मैथ में नहीं पढ़ा रहा हूँ, इसने टोटल वर्ड जितने रहेंगे, टोटल वर्ड रहेंगे उससे उस टोटल वर्ड को 300 भाग दे दो। सबसे पहला काम करना है कि 300 भाग दे दो सारे शब्दों में। और ये प्रेसिस तभी बनता है, कहने का मतलब आप तभी बना पाओगे बहुत अच्छे ढंग से। सुन लीजिए कैसे बना पाओगे से, जब तक आपको प्रेसिस का टाइटल नहीं बुझाएगा। टाइटल समझना, टाइटल अगर रहेगा तभी आप इसको बहुत अच्छे ढंग से कर पाओगे, नहीं तो फिर ये नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं। तो टाइटल हम कैसे लिखेंगे, तो टाइटल लिखने का भी मैं तरीका बता रहा हूँ, एकदम देखना और एकदम समझो कि आपका 4 अंक हो जाएगा। प्रेसिस में एक सिस्टम जान लेना, मेरे वर्ड को ध्यान से सुनना, मैं क्या क्या बात बताने जा रहा हूँ उसे। हम जो बात बताने जा रहे हैं कभी नहीं भूलोगे तो समझो कि कंप्लीट हो गया। देख लो, आप इसमें फोकस करो, शुरू से पढ़ने कोशिश करना। एजुकेशन इज नॉट एन एंड, इसे पढ़ने कोशिश करो। एजुकेशन इज नॉट, ध्यान से भी कहा, एजुकेशन इज नॉट एन एंड बट मीन्स टू एन एंड, ऐसा। वी डू नॉट एजुकेटेड चिल्ड्रेन ओनली फॉर द पर्पज एजुकेटिंग देन, ऐसा करके कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, जो भी करके कुछ लिखा हुआ है, सारे के सारे जो भी कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है। तब इस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो इस सिचुएशन पता क्या करेंगे, एक देखो आप जरा बताओ, इसमें बहुत सारे बच्चे हैं
सर मुझे तो इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, अगर किसी को पढ़ने आता है तो उसका ट्रांसलेट करना नहीं आता है। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए कि जिन्हें ट्रांसलेट करने भी नहीं आता है, आप उसका बढ़िया से कुछ समझ में नहीं आता है और लेकिन करोगे क्या, उसको ट्रांसलेशन करने नहीं आता है तो कैसे बनाएंगे हम। तो बाबू इसके लिए भी आपके पास एकदम अच्छे से अच्छा तरीका हम लेकर के आए हैं। आप समझो कि 4 अंक आज हम आपको दिला करके छोड़ेंगे, इस प्रकार के आएंगे एग्जाम में तो समझो कंप्लीट कर लें। देखो क्या करेंगे, सबसे पहले इतना तो जरूर जरूर आता होगा आपको, काउंटिंग तो जरूर आता होगा। जब काउंटिंग आता तो काउंट कर लो एक लाइन में, तो सही। अब इसमें बच्चों को हम बोले कि बाबू रे सारे शब्दों को गिन लेना, टोटल वर्ड है, सारे शब्दों को गिन लो। तो सारे शब्दों को गिनेंगे तो इस प्रकार के नहीं गिनेंगे कि एजुकेशन वाला को एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह ऐसे करके शब्द नहीं गिनेंगे, 14-15 करके नहीं। आप एक देख लो अनुमान के में भी, ठीक ना, एक अनुमान के हिसाब से जैसे कि एक लाइन में गिन लो कि एजुकेशन इज, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह, एक लाइन में आपको कितने वर्ड दिखाई पड़े। इस लाइन में मैंने देखा गिना कि 12 शब्द, देखो मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, इस लाइन में हमको कितना सब दिखाई पड़ा, 12 को। अब इधर से गिनो, इधर इस लाइन में कितने लेटर आपको दिखाई पड़े, वर्ड कितने दिखाई पड़े, 12। अब इधर से लाइन गिनो, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह, बताना जरा इसमें कितना दिखाई पड़ा, 17। इधर से हम लाइन गिने तो 17 दिखाई पड़ा और उधर से वर्ड गिन रहे थे, इधर से वर्ड शुरू किए थे गिनने के लिए तो 12, और इधर से किए तो कितना, 17। 17 में 12 से गुना कर दो, 17 में 12 से गुना कर दो। अब गुना करने के बाद देख लो कितना आता है, 17 दुना के 34, 17 एकम 17, 4 7 10 के 0 और 1 1 2, 200 कितना आया, 4। अब टोटल वर्ड तेने ध्यान रखना, बाबू रे अभी मैंने क्या बताया कि टोटल शब्दों को गिन लो, टोटल शब्द गिनने के बाद मेरे पास में कितना आया, 204, कितने वर्ड आए, 204। अब 204 आए तो अब हम क्या करेंगे, हम बोले थे क्या अभी तुरंत बोले थे कि बाबू टोटल शब्द जितना भी आएगा इन टोटल शब्द में हम कितना से भाग देंगे, 3 से भाग देके चेक कर लो कितना आता है भाग देने पर। तो लगता है कि देख लो भाग देने के बाद माता 3 6 18 बचा 2, फिर होता है 3 8 24, कितने शब्दों में आया, 68, कितने शब्दों में आया, 68। देखना बाबू मैं मैथ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ये ट्रिक है, कॉन्सेप्ट है, ठीक ना। ये देख लो कि प्रेसिस कैसे लिखा जाता है इसे। अब इसके बाद में अगर इसके बाद भी अगर नहीं सीख पाओगे तो समझो 4 अंक आप नहीं ले पाओगे। टोटल शब्द कितने आए बच्चे, 68 अंक, 68 आया, कितना आया टोटल, 68। अब जब 68 आया ना तो देख लो अब आंसर कैसे लिखाएगा। तो आंसर लिखने के लिए हम सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया कि बाबू भी किसी भी चीज़ को प्रेसिस जब भी लिखना शुरू करोगे तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, टाइटल। टाइटल यानी कि शीर्षक, कोई भी फिल्म होता है, कोई भी कहानी होता, कुछ भी होता है तो उसका एक नाम होता है, तो नाम होना चाहिए ना। तो टाइटल को हम हिंदी में शीर्षक कहते हैं, तो उसका एक नाम होना चाहिए ना, आखिर इसमें है क्या। तो थोड़ा मोड़ा अब चेक कर लो कि एजुकेशन इज नॉट एंड एंड बट मीन्स टू एंड, वी डू नॉट एजुकेट चिल्ड्रेन ओनली फॉर द पर्पज ऑफ एजुकेटिंग देम, द पर्पज ऑफ इज, मतलब पूरे इंग्लिश को पढ़ रहे हैं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या है क्या है क्या है क्या है, क्या लोग इसका हिंदी ट्रांसलेशन करने नहीं आ रहा। तो ऐसे ही बच्चे को फंस जाते हैं, बच्चों का दिमाग खराब हो जाता है। तब हम क्या करें, कैसे प्रेसिस बनाएंगे, टाइटल हम क्या लिखेंगे, बाबू रे आप जान लो, मेरी बातों को फोकस कर लो, अब यहाँ मेरी बातों को फोकस करोगे तो एक चीज़ सीख लेना जरूर कि बार बार यहाँ पे इंडिकेट करा एजुकेशन के संबंधित, एजुकेशन संबंधित बात करा, बार बार बता रहा कि एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन ही सब कुछ है, ठीक ना। एजुकेशन के बारे में कहीं ना कहीं कुछ है समझने करने को दिया गया कि क्या होता है, कि एजुकेशन कैसे है, आज के दौर में देख लो बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी कि हम देखते हैं एक एक नज़र पलट करके कि हर कदम कदम पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, एजुकेशन। तो एक ही शब्द अगर अधिक टाइम, मेनी टाइम अगर एजुकेशन शब्द आता है या और भी टाइम अगर लग रहा है कि बार बार एजुकेशन के बारे में जिक्र किया गया, तो आप टाइटल में आप क्या डाल दो, एजुकेशन, क्या डाल देंगे हम, एजुकेशन। जब हम एजुकेशन डाल दिए टाइटल में, जब टाइटल में एजुकेशन डाले तो आप क्या करेंगे, टाइटल तो नहीं, फिर से ध्यान दीजिएगा, टाइटल में आप क्या डाले, एजुकेशन, एजुकेशन डाले तो आप यहाँ पे बात आता है ना,
अब यहाँ पे बात आता है कि एजुकेशन संबंधी पे आप क्या करोगे, तो आपने अभी तुरंत मेरी वीडियो पे देख रहे होंगे, ध्यान से देखोगे तो एक चीज़ बताते कि बोले थे हम कि बाबू रे सारे शब्दों को गिन लो, गिनने के बाद 3 से भाग दे दो। भागा देने पर लगता आया था 64 या 68 आया था, ठीक है 68 आया था। अब जो 68 आया ना, जो एजुकेशन जो आप टाइटल लिखना शुरू किए थे, तो टाइटल लिखना शुरू करें तो आप ऊपर में हेडिंग लिख दो टाइटल इस प्रकार से, देख लो यहाँ पे हम सबसे पहले बात क्या करेंगे, हेडिंग में टाइटल लिख दिए हैं। अब टाइटल हम बनाना शुरू कर दिए हैं, बनाना शुरू कर दिए हैं, तो अब ऊपर में हेडिंग में टाइटल लिख दिए। टाइटल आपका क्या था, एजुकेशन, इतना तो ध्यान में रखिएगा आप लोग, ठीक ना, एजुकेशन था, ठीक ना, एजुकेशन आप टाइटल लिख दोगे। अब इसका लिखना शुरू करेंगे, क्या लिखना शुरू करेंगे, एजुकेशन के ही बारे में लिखना शुरू करेंगे, तभी से बहुत सारे बच्चों को आ जाएगा कि सर हम लिखेंगे कैसे। तो बाबू यहाँ पे देख लो आपके लिए सब कुछ है, यहाँ पे आपके लिए सब कुछ है, आप थोड़ा ध्यान देना। ध्यान क्या देना कि इसमें एक वर्ड जो आपको लग रहा है कि सर हम यहाँ से कैसे लिखेंगे, तो आपका एक सबसे अच्छा कॉन्सेप्ट जान लेना, ट्रिक जान लेना, पता है क्या कि शुरू से एक कोई वर्ड उठा लो जहाँ पे फुल स्टॉप है ना, जैसे यहाँ पे एक चीज़ फोकस करना, हम कहीं पे यहाँ पे देख लो शुरू में एजुकेशन संबंधित है, आप शुरू में लिखना शुरू कर दो एजुकेशन संबंधित, ठीक ना, शुरू कर दिए, कहाँ पे जहाँ पे फुल स्टॉप आएगा वहाँ पे रोक दो। यहाँ पे देखो फुल स्टॉप आया है, मैंने इंडिकेट कर दिया यहाँ पे फुल स्टॉप है, तो वहाँ तक हो गया। अब उसके बारे में देख लेना फिर से, थोड़ा सा एकदम क्लीन करने दो मुझे, क्लीन कर देंगे। अच्छा उसके बाद में देखना कि एक लाइन में कितने शब्द गए हैं, एक लाइन में कितने शब्द गए हैं उस संबंधित बात करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या, फिर यहाँ पे देखेंगे एज सुन एज, यहाँ से कोई उठा लो, ठीक ना, वो अगले फुल स्टॉप तक रोक दो, कहाँ तक जाता है देख लो, जहाँ तक देख लो यहाँ तक फुल स्टॉप आता है देख लो, हम एज सुन एज से शुरू किए, यहाँ से शुरू किए और यहाँ लाइफ तकला फुल स्टॉप है, वहाँ तक लिखना शुरू कर देंगे। फिर इसी के बीच में से क्या करेंगे कि देख लो यहाँ सबकी यहाँ पे लग रहा है कि एक फुल स्टॉप और कहाँ से हम उठाएँ कि जहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं अच्छा हो, बहुत बढ़िया हो, तो हम एक इस प्रकार के देखेंगे फुल स्टॉप कि कहाँ पे दिया गया इसे, और जहाँ पे फुल स्टॉप दिया गया वहीं से पकड़ लो। अगर मान लीजिए देख लो बट, यहाँ से फुल स्टॉप, तो अगला फुल स्टॉप तक चले जाओ और देख लेना कि कितना लाइन में हमको लगे कि हाँ 68 शब्दों के आसपास में हो जाए, 68, एक दो शब्द बढ़ जाए लेकिन कमना नहीं चाहिए, वहाँ तक के बना देना, ये समझो कि ये बन गया, ठीक है। इसी प्रकार से आप बना लोगे, कहीं पे कोई फॉल्ट रहेगा तो बताना, उम्मीद है। फिर से एक बार ध्यान से देना बच्चों, क्या क्या ध्यान देना है, सारे शब्दों को गिन लेंगे, गिनने के बाद में हम 3 से भाग देंगे, भाग देने के बाद अगर जितना शब्द आता है उतने ही शब्दों में क्या करेंगे कि इसमें से जो शब्द ज़्यादा बार आएगा उसके लिए हम क्या करेंगे, टाइटल लिखा जाता है। प्रेसिस में जाने जगह क्या लिखेंगे, हम टाइटल लिखेंगे, तो टाइटल लिखेंगे, तो टाइटल क्या है, तो टाइटल के बारे में जो हमको लगा कि बार बार एजुकेशन शब्द आ रहा था, देख लो यहाँ एजुकेशन आया, यहाँ एजुकेशन आया, एजुकेशन यहाँ आया, इस प्रकार से बहुत जगह एजुकेशन आया, यहाँ एजुकेशन आया, तो जो शब्द ज़्यादा बार आएगा उसी को हम टाइटल बना दिए, और एका को फुल स्टॉप से उठा करके 68 शब्दों में आप क्या करो कि उसी में से छाट करके लिख दो, समझो कि ये आपको 4 अंक मिल जाएंगे। अच्छा कभी 4 अंक इतना ही नहीं, अभी और आपको मैं बता रहा हूँ, आप यहाँ देख लो, अब इस पैसेज पर फोकस करना, इस पैसेज पर फोकस इसलिए करने की बात बोले हम कि तनिक ध्यान देना। एक हम प्रेसिस बताया, मैंने अभी क्या बताया आपको, प्रेसिस बताया, प्रेसिस जो बताया ना, प्रेसिस या तो प्रेसिस देता है या और करके, ध्यान दीजिएगा, और मैंने अथवा, अथवा यानी कि आप तो प्रेसिस बनाओ या तो फिर पैसेज बनाओ, या तो प्रेसिस बनाओ या पैसेज बनाओ, दोनों मिलाकर दोनों को, दोनों में से एक बनाना है, दोनों में से क्या बनाना है, एक बनाना है। जब एक बनाना तो एक में से हम क्या करेंगे, उसका किसी एक को आपको चयन करना, क्या आप प्रेसिस बनाना शुरू करोगे कि पैसेज बनाओगे, जो आपको पसंद पड़ेगा से। तो हम दोनों के लिए लेकर के आएँ, दोनों के लिए लेकर के आएँ, जो आपको अच्छा लगता है से। जैसे कि मान लीजिए पैसेज वन की बात में बता रहा हूँ, एक सिंपल सी आपको समझने के लिए, मैं बहुत सारे पैसेज के बारे में बात नहीं बता रहा हूँ, एक पैसेज बताऊँगा आप सीख जाओगे। और आपको कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे, कितने अंक मिलेंगे, 4 अंक मिलेंगे, एक कन्फर्म मिलेंगे, ये मतलब इस प्रकार एक बार सीख जाओगे, समझो कि हो गया 4 अंक कन्फर्म हो गया। चलो शुरू करते हैं, देख लो यहाँ पे लिखा है, पढ़ते हैं, लेट ना करते हो, ध्यान दो, हमें पैसेज को थोड़ा ध्यान देना। पैसेज को लिखा है, अशोका वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट एम्परर्स ऑफ द वर्ल्ड,
ऐसा करके लिखा है, एक फुल स्टॉप मैंने देखा। फिर लिखा ही वाज द किंग किंग ऑफ मगध, यानी मगध का सम्राट था। ही टॉट द नंबर ऑफ बैटल्स एंड गॉट नेमरस विक्टोरीज, मतलब हजार ही युद्ध किया, लेकिन ही अटैक्ड कलिंग, यानी कलिंग पर वो अटैक किया। थाउजेंड इनोसेंट पीपुल वेयर किल्ड, बहुत हजारों लाखों जो भी कुछ थाउजेंड हजारों लोग इनोसेंट, यानी इनोसेंट का मतलब निर्दोष लोग मारे गए, बहुत निर्दोष लोग क्या किए गए, मारे गए। अब जरा विचार करना, ये सब आपको पढ़ने को मिल रहा है। तो मान लीजिए आपको ट्रांसलेशन करना नहीं यार, हम ट्रांसलेशन करके हम पढ़ लिए समझ रहे हैं, लेकिन बच्चे जिन्हें ट्रांसलेशन नहीं आता, वो इंग्लिश बिल्कुल कमज़ोर है, वैसे स्टूडेंट कैसे पास करेंगे, कैसे इसको बनाएंगे कि चार अंक आ जाए। तो वैसे विद्यार्थियों के लिए ही लेकर का है, तेज तो तेज बच्चे बना ही देंगे। वैसे चार जिन्हें बिहार बोर्ड वाले बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश प्रॉब्लम होती है, तो उन्हीं के लिए मैं खास कर ज़्यादा एक ऐसा ट्रिक लेकर के आया हूँ कि आपको चार अंक कन्फर्म आपको ट्वेल्थ के एग्ज़ाम में एकदम कन्फर्म मिलेंगे, चार अंक आपको हर हाल में मिलेंगे, ठीक है। तो देर ना करते हुए आप समझ लेना, ठीक है। जरा देखो, आप इसको पढ़ने की बात ना करो, कुछ समझ में आया? आप जो इसको ध्यान से पढ़ोगे, इसको जो मैं इन सर्किल कर रहा हूँ, इसको ट्रांसलेशन करने ऐब नहीं करेगा। तब ऐसा सिचुएशन में क्या करेंगे, तो इसके लिए मैं एक ट्रिक देता हूँ, इसको ना पढ़ के इसको ना पढ़ो, इसको ना पढ़ के आप क्वेश्चन डायरेक्ट पढ़ो। चार क्वेश्चन रहेगा, चारों क्वेश्चन को क्या करना रहेगा ना, देख करके आपको आंसर बनाना रहेगा, देख करके आपको आंसर बनाना रहेगा। तो यहाँ पे हम देर ना करते हुए आपको ध्यान दिला रहे हैं, ठीक है। देखना जरा, क्वेश्चन को हम पढ़ रहे हैं, हम आंसर से मतलब हमको नहीं है, हमको उससे मतलब नहीं, हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन से दिखते रहेगा, हु वाज अशोका, देखो इन सर्कल मैंने किया, हु वाज अशोका, अशोका कौन था, तो देख लो जरा। यहाँ पे शुरू में तनी ध्यान है बच्चा लोग, आप लोग का ध्यान तो होगा ही, ऐसा नहीं कि ध्यान नहीं होगा। देख लो, अशोका वाज द ग्रेटेस्ट एम्परर ऑफ द वर्ल्ड, तो पहला कंसर्न मिल गया ना, अशोका कौन था, तो अशोका के बारे में आपको मिल गया कि कुछ था, पूरे वर्ल्ड का सम्राट था वो, सम्राट था, सम्राट जिसको कहते हैं, राजा किंग था वो, ठीक ना, और मगध उसका सम्राट था। आप समझ में आ गया होगा, तो जो वर्ड देखो ऐसा नहीं करना है, जो वर्ड जहाँ पे मिले ना वहीं पर उसको सेट कर देना। अब देख लो क्वेश्चन नंबर दूसरा पर आ जाओ, आपको ट्रिक में क्या दे रहा हूँ सर, ऐसा नहीं कि सर ये समझ में नहीं आया। इन विच बैटल, यहाँ पे एक बैटल नजर आया, वे आर थाउजेंड पीपुल किल्ड, ऐसा करके जरा कुछ यही सब वर्ड, थाउजेंड मिला, पीपुल मिला, तो नहीं पता करो तो कहाँ पे लिखल है, तो यहाँ पे लिखल है बाबू रतन, ध्यान दीजिएगा, वंस ही अटैक्ड कलिंगा, ध्यान दीजिएगा, इन सर करते चल रहा हूँ, थाउजेंड इनोसेंट पीपुल वेयर किल्ड, मिल गया। तो मतलब इन बीच कौन युद्ध में, फिर से एक बार तुम ध्यान रखिएगा, कौन युद्ध में, देख लो यहाँ पे पढ़ना, कौन युद्ध में थाउजेंड पीपुल किल्ड, कौन से युद्ध में, इन बीच बैटल, कौन से युद्ध में, मतलब कि मतलब हजार लोग निर्दोष लोग क्या हुए थे, मारे गए, तो देख लो तो कलिंग युद्ध में, नहीं कलिंग युद्ध पर थाउजेंड पीपुल इनोसेंट पीपुल, यानी कि एक फुल स्टॉप यहाँ से शुरू करेंगे तो अगला फुल स्टॉप तकला हम रोक देंगे, जहाँ इसे पकड़ो क्या कौन सा वर्ड मिल रहा है और ओकरे पर सिलेक्ट कर लो, ठीक है। अगला देख लो, यहाँ तीसरा नंबर, वाई डिड अशोका अडॉप्ट बुद्धिज्म, यहाँ पे तुम ध्यान रखना, अडॉप्ट एक वर्ड मुझे दिखाया पड़ा, अडॉप्ट बुद्धिज्म। अब इसी वर्ड को तुम देखो तो कहीं पे मिलता है अडॉप्ट वगैरह, कहीं पे बुद्धिज्म सब देख लो, कहीं पर अगर मिलता है तो आप क्या करना कि उसके बाद में आप क्या करना, देख लो यहाँ पे कहीं ना कहीं देख लो, यहाँ अडॉप्ट बुद्धिज्म है ना, तो इससे पीछे वाली लाइन से शुरू कर देना, इसके पीछे वाले अडॉप्टेड मिला ना और बुद्धिज्म भी मिला, तो हम इस सिचुएशन में क्या करेंगे ना बाबू लोग, कि इसके पीछे वाले लाइन देखो तो कहीं पर पकड़ लेना, ठीक है। जैसे कि यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, द हरिबल साइट टू ब्लड एंड वायलेंस प्लिक द कंसिडर अशोका ही गुड बाय टू वार एंड बैटल्स, वो कहा क्या कि आपने देखा ना कि हजारों लोग जब मारे गए थे तो देखा कि आपने सभी कुछ त्याग दिया, मतलब वार वगैरह युद्ध करना सब छोड़ दिया, रिजाइन मार दिया, यानी कि जब छोड़ दिया तो कहा कर लेना कि एडॉप्टेड बुद्धिज्म, वो कहा कर लिया फिर कि मतलब कि बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है। यानी कि जो वर्ड जहाँ आपको क्वेश्चन में दिखाई पड़े वो इसी में आपको आंसर ढूंढना है, और ओकरा से पहले वाले फुल स्टॉप से लेकर के अगले फुल स्टॉप तक अति कर दो, लिख दो, आंसर हो जाएगा,
ठीक है, नेक्स्ट है अगले, वेयर डिड ही सेंट, ध्यान दीजिएगा, वेयर डिड हिज सेंट सन्स डाउटर, ऐसे करके कुछ मिल रहा है जी, वेयर डिड ही सेंट हिज सन्स एंड डाउटर। अब देखो तो सन्स और डाउटर कहीं पे मिलता है इस स्थिति में, तो हमको लग रहा है कहीं ना कहीं मिलवे करेगा। देख लो ही सेंट हिज सन्स डाउटर मिल गया, तब हम क्या करेंगे कि यहाँ जो फुल स्टॉप है ना, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ला, हम उसी का आंसर लिख देंगे। ठीक है, समझ में आया, क्या करेंगे, ही सेंट हिज सन्स एंड डॉटर टू डिफरेंट कंट्री टू स्प्रेड बुद्धिज्म, तो कहाँ भेजे तो अनेक कई कई मतलब कि देशों में भेजे थे, जो श्रीलंका सबसे पहले भेजे, ठीक ना, तो क्लियर हो गया कि यहाँ पे देखेंगे डॉटर और संजा मिला, तो यहाँ पे देख लो फुल स्टॉप है, देखेंगे यहाँ पर कि फुल स्टॉप है, तो जहाँ से फुल स्टॉप मिलेगा ना, जहाँ से फुल, तो फुल स्टॉप हमको पहले तो हम डॉटर ढूंढे तो डॉटर मिला, सन मिले सन मिला, क्या है कि आप हिज सन देख रहे थे, हम डॉटर देखते मिल गया था, और देखें कि यहाँ डिफरेंस कंट्री सब मिल रहा है बुद्धिज्म के लिए, तो बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए डिफरेंट कंट्री में इन्होंने भेजने का काम किया। अगर इसी प्रकार से मतलब मेरे कहने का मतलब हो गया, आज के वीडियो बनाने का उद्देश्य ही है कि चार अंक आपको मिलेगा कैसे, तो पहले देख लो, या तो आप पैसेज लिखना एग्जाम में, या तो आप प्रेसिस लिखना, दोनों मैंने बताया, और जो आपको अच्छा लगा होगा पैसेज लिखेगा तो इसको आप ट्रांसलेट करने का, ऊपर में जो लिख रहे ना इन सर्किल कर रहे ना, ये आप देख लो, ध्यान रखिएगा, ये आप क्या करो ना कि जो पैसेज उसको, इस पैसेज को आप पढ़ने की कोशिश ज़्यादा मत करो, आप पहले क्वेश्चन पढ़ लो, और जो वर्ड जो मिलता है ना इसी में मिलाना शुरू कर दो, और जो मिलाना शुरू कर दोगे तो वहाँ से जो फुल स्टॉप वाला शुरू होता है अगले फुल स्टॉप तक लिख देना, ये समझो कि आपका कंप्लीट हो गया, और चार अंक आपको चार प्रश्न के लिए दिए जाएंगे। अब बताना जरा आपको बेहतर कौन लगा, जो अगर प्रेसिस आपको अच्छा लगा तो प्रेसिस लिखेंगे, और अगर मान लीजिए आपको पैसेज अच्छा लगा तो पैसेज लिखेंगे, और ये सोचना प्रेसिस और पैसेज आपको चार अंक आने वाले हर हाल में, हर हाल में, ये ऐसा नहीं आपके लिए प्रश्न आएंगे, प्रेसिस भी आएंगे और पैसेज भी आएंगे, आपको तय करना कि दोनों में से कौन वाला बनाना, दोनों में से एक बनाना क्लियर रहेगा। ठीक है, तो आज मैंने दोनों बता दिया, तो ठीक है, ऐसा देर ना करते हुए अब क्या करते हैं कि हम आपसे विदा लेते हैं। ठीक है, जय हिंद।